हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल नव भारती स्टडी सर्कल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम और जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो हम कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं इनको पढ़ते हैं न्यूट्रिशन वॉट इज़ न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं खाने प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं सब्सटेंस इन फूड दैट आर यूज एज एनर्जी सोर्स टू रन द सिस्टम ऑफ द बॉडी यानी कि वो ये वो सब्सटेंस है जो हमें फूड से मिलते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक एनर्जी सोर्स की तरह जो कि हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को रन कराने में हेल्प करती है न्यूट्रिशन so, वो प्रोसेस है जिससे हम खाना लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो उस प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी सोर्स के फॉर्म में मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड इन द बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम उन ऑर्गन्स और क्लैन को कंसिडर करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए एंड वॉट इज डाइजेशन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू सिंपलर मॉलिक्यूल यानी कि जो डाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है चलो तो आगे हम मूव करते हैं देर आर टू टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सो वॉट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन अमॉन्ग इन वर्टिब्रेट्स एंड वॉट इज इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो मेन जो डिफ्रेंस होता है वो वर्टिबल कॉलम का होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिबल कॉलम जो होता है वो एबजेंट होता है और वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिबल कॉलम प्रजेंट होता है सो इनकम्प्लीट डाइज डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन inver, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है देयर इज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग फॉर दी इंजेशन ऑफ फूड मतलब कि खाने को लेने के लिए एक ही ओपनिंग होती है उसमें किसी भी तरीके का एक्सक्रीशन निकालने करने के लिए किसी भी तरीके की कोई और दूसरी ओपनिंग नहीं होती है एंड एनस इज एब्जेंट एन जो है वो एबजेंट होता है सो वाट अबाउट कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन अमुंग नेमाटोड्स, एनलिट्स, मोलस्कस एक्कीनोडम्स एंड वर्टिब्रेट्स। ऑल दीज आर ऑल दीज हैव कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिस टाइप हैव हैज डाइजेस्टिव ट्यूब विद टू ओपनिंग्स डाइजेस्टिव ट्यूब होता है जिसकी टू ओपनिंग्स होती है माउथ एंड एन एस इनकी माउथ और एनएस दोनों ओपनिंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रजेंट होती हैं इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एन एस जो है वो एबजेंट होता है द वॉट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इज अ लॉन्ग कॉयल्ड मस्कुलर दैट स्ट्रेच फ्रॉम द माउथ टू दिनस ठीक है जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है वो माउथ से एनस तक होती है जो कि नाइन मीटर लॉन्ग की होती है ठीक है ये लॉन्ग होती है कॉयल्ड होती है मस्कुलर ट्यूब होती है ठीक है जो कि माउथ से एनस तक ह्यूमन फूड और डाइजेस्टिव ट्रैक की तरह नाइन मीटर लॉन्ग रन करती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मेजरमेंट अगर मेजरमेंट देखा जाए तो माउस से एनस तक होता है ये नाइन मीटर की होती है इसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं स्पेशलाइज्ड रीजन वेयर डाइजेशन टेक प्लेस सो फूड प्रोसेसिंग बिगेन्स इन माउथ माउथ में स्टार्ट होती है फूड की प्रोसेसिंग द बाइट फूड इज़ द सोलोड एंड इज मूव थ्रू द फेरिंग्स इंटू इजोफेगस माउथ से स्टार्ट होती है माउथ में जो है फूड को बाइट किया जाता है फिर उसको सॉलोड यानी कि नगला जाता है और फेरिंग्स से होते हुए इजोफेगस के अंदर एंटर होता है इजोफेगस जो होता है वो उसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं देन फूड इज़ मकैनिकली एंड एंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड इन स्टमक फूड जो है मकैनिकली और विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन डाइजेशन जो है डाइजेस्टेड इन खाना जो है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है अब वो मकैनिकली और एंजाइमेटिकली किस तरीके से होते हैं वो फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे किस तरीके से उस जो फ़ूड हमने लिया वो हमारे दांतों के द्वारा चुई किया गया चबा बाइट किया गया फिर उसके अंदर हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें जो सलाइवा प्रेजेंट होता है उसके द्वारा उसको म्यूकस प्रोवाइड किया गया उस म्यूकस की हेल्प से खाने को सॉलोड किया गया सॉलोड जो है वो फेरिंग से होते हुए ईजोफिकस तक पहुंचा खाना फिर ईजोफिकस से डायरेक्ट स्टमक में आया वहाँ पर उसे एन्जाइमेटिक एक्शन मिले और मैकेनिकल एक्शन मिले तो ये मैकेनिकल और एन्जैमेटिकली एक्शन के हेल्प से ही खाना जो है स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ आगे मूव करते हैं मोस्ट एन्जाइमेटिक डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटस्टाइन ज़्यादातर जो एन्जाइमेटिक एक्शन जो होते हैं डाइजेशन के लिए वो स्मॉल इंटस्टाइन के डिओडनम में देखने को मिलते हैं देर आर थ्री पार्ट ऑफ डिओडनम वो स्मॉल इंटस्टाइन डिओडनम जेजनम एंड इलियम वो हम आगे पढ़ेंगे द लार्ज इंटस्टाइन देन एलिमिनेट्स वेस्टेज लीड्स टू द ओपनिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड एनस ठीक है लार्ज इंटस्टाइन क्या करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करता है एलिमिनेट किस फॉर्म में करता है वो जो एलिमिनेटेड वेस्ट होता है उसमें से एब्जॉर्प्शन करता है और उसको जो ओपनिंग होती है एलिमिनेशन के लिए वहाँ तक उसको मूव करता है और वेस्टिस की जो ओपनिंग होती है उसे हम एनस बोलते हैं स्पेशलाइज रीजन वेयर डाइजेशन टेक प्लेस सबसे पहले माउथ में फिर फेरिंग्स रिंग्स से होती है स्टमक में पहुँचता है स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस तो ये जो हमारा लास्ट में जो हम देख रहे हैं ये हमारा पार्ट है यहाँ से एक्सक्रीशन हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम विद अदर असिस्टिंग ऑर्गन्स ठीक है फेरिंग्स होता है ओरल कैविटी होती है टंग होती है ठीक है सलाइवरी ग्लैंड्स थ्री टाइप की होती है पैराटोड सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर

कॉमन बाइल डक्ट होते हैं जैसे बाइल जूस सीक्रेट होता है फिर नीचे हमारा स्मॉल इंटस्टाइन है फिर डिसेंडिंग कॉलन ये असेंडिंग कॉलन डिसेंडिंग कॉलन ट्रांसवर्स कॉलन ये सब हमारे लार्ज इंटस्टाइन के अंदर हैं देर इज जियोडनम जेजनम इलियम ऑल थ्री पार्ट ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन फिर सीकम अपेंडिक्स रेक्टम एंड एनल कैन कैनाल एनस से पहले एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है उसे एनल कैनाल बोलते हैं रेक्टम होता है जहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है और यहीं से फिर आगे इस एनल कैनाल से होते हुए एनस के थ्रू बाहर आ जाता है ठीक है ये हमारा डायफ्राम होता है डायफ्राम के जस्ट नीचे लिवर होता है और हमारा फिर ये गॉल ब्लडर होता है तो ये सब जो हैं ये हमारे सभी के सभी डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं ऑल आर है स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द डाइजेशन वेयर डाइजेशन टेक प्लेस विद असिस्टिंग ऑर्गन्स कहाँ कहाँ डाइजेशन कैसे कैसे होता है हर एक ऑर्गन में ये देखते हैं फूड प्रोसेसिंग बिगिंस इन द माउथ माउथ के अंदर फूड जो है कि फूड की जो प्रोसेसिंग वो होती है The bite food is then swallowed and is moved through pharynx into esophagus. Then food is mechanically enzymatically digested in the stomach. The liver secretes bile. Liver care secretes hai bile juice secret karta hai The pancreas secretes digestive system. And both bile juice and the digestive enzyme. Very very useful for the digestion. वे आर डाइजेशन टेक प्लेस विथ असिस्टिंग ऑर्गन्स नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है मोस्ट एन्जाइमेटिक डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटस्टाइन न्यूट्रिय आर दैन डाइजेस्टेड एज दे मूव द डाइजस्टिव ट्रैक्ट नर्वस एंड हारमोन्स रेगुलेट डाइजेशन ठीक है जो डाइजेशन को जो रेगुलेट करते हैं वो नर्वस सिस्टम और हारमोन्स के द्वारा जो है वो रेगुलेट किया जाता है absorption take place mainly through the villi of the small intestine there is a small small finger like projection in the small intestine which is known as villi in singular form it is villus it is responsible for the absorption because it increases the surface area of the small intestine then after the large intestine and eliminates waste stays, leads to the opening for the elimination of waste is and anus. Large intestine waste ko eliminate karti hai, with the help of opening which is known as anus. Two phases of digestion there are two phases of digestion one is mechanical phase, second is chemical phase. And what is mechanical phase? मैकेनिकल फ़ेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इन टू स्मॉल पीसेस पुशिंग द फूड डाउन द फूड ट्यूब एंड मिक्सिंग विद इट डाइजेस्टिव जूस यानी कि माउथ से स्टमक तक का जो काम होता है वो मैकेनिकल फेस के द्वारा होता है यानी कि माउथ में जो टीथ होती हैं वो ब्रेक डाउन करती हैं फूड को स्मॉल पीसेज में फिर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवर माइलेज एंजाइम के फॉर्म में जो रिलीज़ होता है वो उस खाने को जो है सोलो स्वालो कर सोलोड करने में हेल्प करता है जो कि पुश डाउन होता है फिर वो फ्यूट फूड ट्यूब यानी कि ईजोफिगस के द्वारा स्टमक तक स्टमक तक पहुंचता है और वहाँ पे वो जो है डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिक्स हो जाता है यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो मकैनिकल फेज कहलाती है इसके बाद आ जाती है हमारी केमिकल फेज़ इन्वॉल्व द फर्दर ब्रेकिंग अप ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाई द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एनजाइम्स केमिकल फेजस जो हैं वो डाइजेस्टिव एनजाइम के हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम केमिकल फेज बोलते हैं हाउ डाइजेशन इज़ डन कैसे होता है डाइजेशन मैकेनिकल फोर्स ऑफ फेस ऑफ डाइजेशन इन द माउथ किस तरीके से होता है इट स्टार्ट्स इन माउथ इसको मेस्टिकेशन बोलते हैं वेअर फोर काइंड ऑफ टीथ टीयर द फोर्ड इन टू पीस फोर काइंड के जो टीथ होते हैं वो खाने को चमाने में हेल्पफुल होते हैं इंसाइजर थिन एज फॉर कटिंग फोर्ड कैनइंस आर पॉइंटेड यूज फॉर टीयरिंग यानी कि चीरने में फाड़ने में मदद करते हैं मोलार्स एंड प्री मोलार्स स्पेशलाइज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ग्राइंड करने में और क्रश करने में मोलार्स और प्री प्रीमोलर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन टीथ की केयर मेंस डेंटल साइट्स की बात की जाए तो देयर आर फोर इंसाइजर टू खेनाइंस मोलार्स प्री मोलार्स, देर आर फोर टाइप ऑफ टीथ इंसाइजर केनाइंस मोलार्स प्रीमोलार्स तो इन उसकी फिर हम नंबरिंग देखते हैं इंसाइज अपर जौ में टू टू लोअर जौ में टू टू यानी कि फोर एंड फोर प्लस एट कैनइन जो होते हैं ऊपर में वन वन लोअर में भी नीचे वन वन इट मीन्स टोटल फोर प्री मोलर्स जो होते हैं ये बात आ रही है हमारे टेम्प्ररी डेंटल सेट्स ऑफ मैन जो टेम्पररी टीथ होती है उनकी बात हो रही है टेम्प्ररी टीथ के अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं फिर मोलार्स आते हैं मोलार्स जो होते हैं वो टू टू अपर जॉ में होते हैं और लोअर जॉ में टू टू होते हैं जिससे टोटल एट होते हैं ये तो इट मीन्स टेम्प्ररी डेंटल सेट्स में ट्वेंटी टोटल टीथ होती हैं उसके बाद परमानेंट डेंटल डेंटल सेट्स आता है इसके अंदर जो इंसाइज होते हैं वो टोटल एट होते हैं कैनइंस जो होती हैं वो टोटल फोर होती हैं प्रीमोलर्स जो होते हैं वो टोटल एट होते हैं मोलार्स जो हैं वो टोटल ट्वेल्व होते हैं इस तरीके से परमानेंट डेंटल सेट जो होता है वो थर्टी टू टीथ का होता है इसके बाद अगर केमिकल डाइजेशन इन माउथ की बात करी जाए तो आर माउथ है सलाइवरी ग्लैंस दैट सीक्रेट सलाइवा ठीक है सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं दिस सलाइवा कंटेन द एंजाइम कॉल सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज द एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड फॉर द चूइंग एंड प्रोवाइडिंग म्यूकस फॉर द फूड दिस सलाइवरी अमाइलेज एंड द एंजाइम कॉल माल्टेज ये जो सलाइवरी एमएलएज और एंजाइम जो कि माल्टेज कहलाते हैं कैटालाइज माल्टोज इनटू ग्लूकोज माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम होता है एनेबल्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ माउथ टू अकर ये माउथ के अंदर ये एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के अंदर केमिकल डाइजेशन के अंदर द ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड देखो ये सलाइवरी ग्लैंड थ्री टाइप के होते हैं पेरिटॉइड ग्लैंड सब ग्लैंड सब ग्लैंड ठीक है हाउ माउथ माउथ्स केमिकल डाइजेशन डन कैसे होता है माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे होगा स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन के प्रेजेंस में माल्टोज का फॉर्मेशन करता है इट इज़ अ डबल शुगर फिर जो माल्टोज़ है वो इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टीज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर ठीक है इस तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन केमिकली डाइजेशन होता है द टंग फेयरिंग्स एंड ईजोफेगस माउथ की बात हो गई अब टंग फेयरिंग्स एंड ईजोफेगस की बात करते हैं द टंग टंगल्सो हेल्प्स इन मकैनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इट हेल्प्स पुश एंड मिक्स फूड वेल द बैक पार्ट ऑफ सीक्रेट म्यूकस मेकिंग स्वेलिंग ईजियर ठीक है इसके बाद में द फेयरिंग्स एंड ईजोफेगस कंडक्ट फूड टू स्टमक फेयरिंग्स और इजोफेगस के हेल्प से जो खाना है वो स्टमक में पहुँचता है आफ्टर बिंग चुईड एंड द फूड इज सॉलोड थ्रू द फेयरिंग्स तो खाने को चबाने के बाद में जो खाना जो निकला जाता है वो फेयरिंग्स से होते हुए इजोफेगस तक पहुँचता है फेयरिंग्स एंड इजोफेगस ऑन कंडक्टिंग फूड फेयरिंग्स और थ्रोट द हावे ऑफ हॉलवे ऑफ फोट यूज फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्परेटरी सिस्टम ठीक है दोनों की जरूरत होती है खाने के हावे तक बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्परेटरी सिस्टम की फेरिंग्स और थ्रोट दोनों की ज़रूरत होती है इजोफेगस कैनाल दैट कनेक्ट्स थ्रोट टू द स्टमक थ्रोट से स्टमक तक जो कैनाल होती है उसे हम ईजोफेगस बोलते हैं एपिग्लॉटिस टिश्यू दैट क्लोज द ओपनिंग टू द एयर वे ड्यूरिंग सोलाइंग खाने को चबाते टाइम पे जो टिश्यू उस ओपनिंग पर क्लोज होते प्रेजेंट होते हैं उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं पेरिस्टेलैसिस पुशेस सॉफ्ट मास ऑफ च्यूट फूड एंड मिक्सिस इट विद डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक एंड स्मॉल इंटस्टाइन ठीक है एंटीपेरिस्टेलिस रिजल्ट वॉमिटिंग विच प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर इंजेस्टेड इंजेस्टेड ठीक है फूड डाइजेशन इन द स्टमक फूड का डाइजेशन स्टमक के अंदर कैसे होता है स्टमक एंट्रेंस एंट्रेंस इज क्लोज बाई अ रिंग मसल्स एट द एंड ऑफ इजोफिकस वेन एम टी द स्टमक इज कोलेब्सड एंड शेप्ड ऑलमोस्ट लाइक अ हॉट डॉग हॉट डॉग जैसा स्टमक हो जाता है जब पेट जो है खाली होता है ठीक है वंस फूड एंटर्स जब खाना पहुंच जाता है द फोल्स ऑफ स्टमक वॉल कॉल्ड रगी स्मूथ्स आउट एंड एक्सपेंस टू मोर देन लीटर ठीक है वो एक्सपेंड हो जाता है और बाद में जो है वो एक मोर देन अटर खाना जो है उसके अंदर पहुँच सकता है इतना एक्सपेंड हो जाता है ये है स्टमक का स्ट्रक्चर स्टमक का ये ईज़ोफेगस है ईज़ोफेगस के बाद में एडवेंटिशिया आ जाता है यहाँ अगर इसकी बात करें जाए तो स्टमक जो है वो फंडस बॉडी सब म्यूकोसा म्यूकोसा लेयर अंदर होती हैं फंडस बॉडी और फाइलोरस ये इन पार्ट में डिवाइडेड रहता है ठीक है और जो बॉडी का जो सेंटर पार्ट होता है सर्कुलर मसल्स होते हैं इसमें ओब्लिक्यूम मसल्स होते हैं सब मिकोसा होता है म्यूकोसा होता है ठीक है गैस्ट्रिक रगी होती है फाइलोरिक एंट्रम है यहाँ पर फाइलोरिक स्पिंगटर है फाइलोक् फाइलोरिक स्पिंगटर जो है वो वो कनेक्टिंग पार्ट होता है जो स्मॉल इंटस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जैसे डिओडनम बोलते हैं उसको और स्टमक को जोड़ने का कनेक्शन का कनेक्टिंग डक्ट का काम करती है फाइलोरिक स्पिंग ठीक है इसके बाद में एंजाइमेटिक डाइजेशन इन द स्टमक द स्टमक सीक्रेट्स मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड द पेरिएटल सेल्स फर्स्ट इज पेरिटल सेल्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच को सीक्रेट करता है एंड इंट्रेंसिक फैक्टर सब्स्टेंस नीडेड फॉर एडुक्ट एब्जॉर्बशन ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन बी ट्वेल्व को जो एब्जॉर्ब करने के लिए जो एडु फैक्टर की जरूरत पड़ती है वो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एडुक्ट एब्जॉर्बशन ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व के लिए ठीक है द सेफ शेल्स सीक्रेट्स पेप्सिनोजन एंड इनएक्टिव

स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर फूड के डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दी थ्रू इट्स वॉल इसकी वॉल के द्वारा जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है स्मॉल इंटस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटस्टाइन जो है फाइव टू सिक्स मीटर तक यानी कि सत्रह फीट तक की दूरी का होता है इन लेंथ एंड हैज थ्री रीजन इसके थ्री रीजन होते हैं डिओडनम जेजनम एंड एलियम हेयर इज डिओडनम हेयर इज जेजनम एंड बिलो दी डिओडनम देयर इज एलियम ठीक है मोस्ट केमिकल डाइजेशन जो है वो डिओडोनम के अंदर होता है जो कि फर्स्ट लेयर बोलते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की तो केमिकल डाइजेशन सबसे ज़्यादा डिओडनम के अंदर देखने को मिलता है द लिवर सीक्रेट्स बाइल द लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का विच लाइज जो कि अपर राइट एबडोम डायफ्राम के जस्ट नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है द लिवर सीक्रेट्स बाइल लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है वॉट इज बाइल द फ्लूड सीक्रेटेड बाई द लीवर विच इमल्सीफाइज फैट्स ये एक फ्लूड होता है जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है इमल्सीफाइज द लिवर सीक्रेटिंग बाइल बाइल इज सीक्रेटेड बाई लिवर स्टोर्ड इन गोल ब्लडर एंड इजेक्टेड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है गोल ब्लैडर के द्वारा स्टोर किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इजेक्ट किया जाता है अगर लीवर के फंक्शन की बात करें तो ये बाइल जूस सीक्रेट करता है हेल्प्स मेंटेन हिमोस्टेसिस बाय रिमूविंग और एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स इट ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोस होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है कन्वर्ट एक्सेस अमीनो एसिड टू फैटी एसिड एंड यूरिया एक्सेस अमीनो एसिड को फैटी एसिड और यूरिया में कन्वर्ट कर देता है स्टोर्स आयरन एंड सर्टेन वाइटामस कई सारे आयरन और वाइटामस को स्टोर करता है डिटॉक्सीफाइज एल्कोहल एंड अदर ड्रग्स एंड पॉइजन अगर किसी इंसान का लीवर फेल हो जाता है तो वो एल्कोहल ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाता है इस, इसलिए जो लिवर होता है अगर आप एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करते हो तो हमारा लिवर फेल हो जाता है द पेंक्रिया सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पेंक्रिया भी जो होता है हमारा जो स्टमक के जस्ट नीचे होता है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है कैसे करता है आओ देखो पढ़ते हैं हम पेंक्रियाज एन इलोंगेटेड ग्लैंड दैट सीक्रेट्स बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट्स दी लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड पेंक्रियाज जो है वो दोनों हार्मोन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम और हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोस होता है उसके लेवल को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं तो जो एंजाइम पेंक्रियाज के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं उन्हें ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन बोलते हैं तो जो एंजाइम पेंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होते हैं वो ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन होते हैं ट्रिपसिन एंड कीमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है ये ट्रिप्सन एंडोट्रिप्सन पेंक्रिएटिक लाइपेज जो है वो फैट्स को डिग्रेड करता है पेंक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो ब्रेकडाउन करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट सेलोलोज डाइसाइक्राइड्स। इनके अलावा सभी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है ब्रेक डाउन करता है पेंक्रिएटिक अमाइलीस राइबो न्यूक्लियस एंड डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियस की बात करें तो स्प्लिट आर एन एंड डी एन ए टू फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो द पेंक्रियाज़ रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम कब करता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज ड्यूरिंग सेफेलिक एंड गैस्ट्रिक फेज स्टिमुलेशन बाय वेगल नर्व फाइबर्स कॉजेज रिलीजिंग ऑफ पेंक्रिएटिक जूस सो हाउ डज केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रियली डन कैसे होता है बाइल फ्रॉम द लिवर जो बाइल होता है लिवर से एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेंक्रियाज रिलीज इन द डिओडनम जो लिवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है और जो पेंक्रियास के द्वारा पैंक्रिएटिक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट किए जाते हैं उनको ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन तीनों दोनों को डिओडनम तक पहुंचाया जाता है रिलीज किया जाता है दीज टू देन एक्टेड ऑन दी काइम सेमी सॉलिड मास होता है डाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड बाई द स्टोमक इंटू डिओडनम जो खाना सेमी फ्लूड मास जो खाना पचाने के बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पास किया जाता है उस पार्ट को हम काइम बोलते हैं ठीक है देन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियल सेल लिनिंग द डिओडनम कैटालाइज द फाइनल स्टेप्स इन द डाइजेशन ऑफ द मेजर स्टैप ऑफ न्यूट्रिएंट्स The digested nutrients, chyme moves through the digestive tract by peristalsis, mixing contractions and motion of the villi. Nutrients in the chyme come into contact contact with enzymes that digest them. Carbohydrates are they digested to monosaccharide or simple sugar. Proteins are digested to amino acids, and fats are digested to fatty acid and mono. मोनो मोनो ठीक है तो ये जो है इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट करता है मोनोसाइ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड टू जो डाइजेस्ट होके मोनोसाइक्राइट्स और सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में फैट्स जो है फैटी एसिड और मोनो ग्लाइसरॉल्स में मोनो काइल ग्लेसरॉल्स में कन्वर्ट होता है केमिकल डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोटीन जो है वो और प्रोटीजिस के हेल्थ प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है प्रोटीज इज द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू माल्टोज आफ्टर दैट फैट्स जो है वो लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेज की प्रेजेंस में सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है दीज ऑल द केमिकल डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नर्वस एंड हॉर्मोन्स रेगुलेट डाइजेशन सिक्रीशन ऑफ अदर डाइजेस्टिव जूस इज रेगुलेटेड बाई नर्वस एंड हारमोन्स डाइजेस्टिव जूस जो है वो नर्वस और हारमोन्स के द्वारा जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं दिस कॉल्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम कॉन्टिन्यूस टू रेगुलेट मैनी मोटर एंड सेक्टरी एक्टिविटीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इवन इफ सिंथेथेटिक एंड पैरासिम्फेथेटिक नर्वस टू दिज ऑर्गन आर कट सेवरल हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग गैस्ट्रीन सिक्रिटिन कोलेसैक्लोटिन नैन एंड गैस्ट्रिक इनिबिट्री पेप्टाइड हैप रेगुलेट डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो हॉर्मोन्स हैं ये सभी के सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं डाइजेशन के टाइम पे ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं अगर गैस्ट्रीन की बात करी जाए तो ये स्टमक से मिलता है ठीक है उसके बाद इसका जो एक्शन होता है ये स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो पेप्सिनोजन हार्मोन को रिलीज कर सके उसके बाद सिक्रट जो होता है ये डिओडनम में प्रेजेंट होता है ये जो है टारगेट टिश्यू जो होता है वो पेंक्रियाज एल लिवर ठीक है एक्शन जो होता है इसका सिग्नल सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट स्टिमुलेट बाय सिक्रीशन बाय सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रेटेन और सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन के लिए भी सो सिक्रेटेन हेल्पफुल होती है सी सी के कोलियोसास्टो केने कैन जो है वो जो है वो डिओड्रनम के द्वारा ही इसका सोर्स होता है टारगेट टिश्यू जो है पेंक्रियाज गॉल ब्लैडर होता है एक्शन जो होता है स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम स्टिमुलेट एम्पटी ऑफ एम्प्टाइंग ऑफ बाइल गैस्ट्रिक इनिबेटरी पेप्टाइड जीआईपी जो होता है ये भी डिओडनम सोर्स होता है टारगेट टिश्यू जो होता है वो स्टमक होता है एक्शन डिक्रीज स्टमक द स्लोइंग एम्पटाइंग एब्जॉर्प्शन इन एक्शन एब्जॉर्शन एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाई विच सब्सटांस आर टेकन इन बाई सेल ऑफ द फूड ट्यूब ठीक है एबजॉर्प्शन वो प्रोसेस है जो कि सब्सटांस को सेल तक पहुँचाता है फूड ट्यूब के थ्रू एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस मेनली थ्रू द विला ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादातर जो एब्जॉर््पन होता है वो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड सिंपल शुगर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डिफ्यूज इन टू सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द विस प्लूरल में विलाय होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये ऊपर -like के जो पॉइंट है ये विलस होता है इसके अंदर लैक्टेल होता, होता है ब्लड कैपलरीज होती है गोबलेट होता है आर्टेरॉयल वेन्यूल लिम्फोटिक वेसल्स होती हैं लिम्फ नोड्स होते हैं ये सभी के सभी इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में प्रजेंट होती हैं द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बशन अगर एब्जॉर्बशन की प्रोसेस की बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ़ द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इंटू कैपलरीज एंड रीच द ब्लड कैपलरी के फॉर्म में डिफ्यूज़ होके ब्लड तक पहुँचते हैं वेल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डिफ्यूज इंटू द लेक्टरल ज़्यादातर डायजेस्टिव फूड जो है वो कैपलरी के फॉर्म में डिफ्यूज़ होके ब्लड तक पहुँचता है और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो डिफ्यूज होके लैक्टरल एंड रीच अनदर सर्कुलेटिंग फ्लूड कॉल लिंफ लिव तक पहुँचते हैं थ्रू डिफ्यूजन डाइजस्टेड फूड रीच द ब्लड एंड लिव अंडर वोज ए प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन नैज द सर्कुलेटिंग फ्लू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द सेल ऑफ दॉ बॉडी द लार्ज इंटस्टाइन एलिमिनेट्स वेस्ट लार्ज लार्ज इंटस्टाइन जो होती है वो एलिमिनेट करती है अनडाइजेस्टेड फूड को ठीक है ऑल दो शॉर्टर इन लेंथ दैन द स्मॉल इंटस्टाइन स्मॉल इंटस्टाइन के कम्पेरिजन में लेंथ जो वो छोटी होती है इट इज़ कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट डायमीटर इज़ ग्रेटर दैन दैट आ स्मॉल इंटस्टाइन ये लार्ज इसलिए कहलाती है क्योंकि स्मॉल इंटस्टाइन के कम्पेरिजन में इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है द लार्ज इंटस्टाइन इज़ वन पॉइंट थ्री मीटर अबाउट फोर फीट इन लेंथ द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इसका ट्रांसफर्स कोलन होता है डिसेंडिंग कोलन होता है सिमर्ड कोलन कोलन होता है रेक्टम आता है सीकम आता है असेंडिंग कोलन आता है और यानी कि सीकम कोलन एंड रेक्टम आर पार्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन अगर बात करी जाए कि एलिमिनेशन क्या है एक्सक्रीशन क्या है दैन द एलिमिनेशन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेड ऑफ डाइजेस्टिव वेस्टेज मटीरियल दैट हैव नॉट बीन एब्जॉर्ड फ्रॉम द डायजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मेटाबोलिक एक्टिविटीज वो मटीरियल जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब भी नहीं किया जाता है और ना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन होता है इस प्रोसेस को हम एलिमिनेशन बोलते हैं और जो एक्सक्रीशन होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज विच इन मैमल्स इज़ मेनली द फंक्शन ऑफ द किडनी एंड द लंग्स जो एक्सक्रीशन होता है वो वो प्रोसेस होता है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट से वेस्ट को रिमूव करता है बाय दी हेल्प ऑफ किडनी एंड लंग्स ये मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है सम इलनेस इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एलिमिनेशन के बेसिस पर कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे कि डायरिया दिस हैपन्स वेन काइम पासिस टू रेपिडली डेफिकेशन जिसे बोलते हैं दिस मे बी कॉज्ड बाई एन्जाइटी सर्टेन फूड और डिसीज ऑर्गेनिजम दैट इरीटेट द इंटस्टाइनल लाइनिंग कॉन्स्टिपेशन दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टू स्लोली पासिंग ऑफ काइम थ्रू दी इंटस्टाइन ठीक है कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है ये कॉमनली नोन एज दी कैंसर ऑफ द कोलन एंड द रेक्टम तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन कोलोरेक्टल कैंसर ये सारे के सारे इलनेस एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज की वजह से के उसमें आती हैं कि जब कोई एलिमिनेट वे, वेस्ट को एलिमिनेट करने के दौरान ये सब चीज़ें ये डिसीज़ हो सकती हैं डायरिया जब हम कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर का इंटेक करते हैं इस तरीके की, की प्रोसेस में डायरिया होता है कॉन्स्टिपेशन होता है कि जो कायम होता है वो इंटेस्टाइन के द्वारा बहुत ही स्लोली पासिंग होता है इसलिए हम प्रॉपर वे में फ्रेश नहीं हो पाते हैं कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है ये कॉमनली नोन एज द कैंसर ऑफ कोलन एंड रेक्टम इंपॉर्टेंस ऑफ फूड गेटिंग एंड डाइजेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है फंक्शन ऑफ फूड इन द बॉडी फूड इन दिस टॉपिक विल इंक्लूड नॉट ओनली द ऑर्गेनिक न्यूट्रिय बट ऑल्सो वाटर मिनरल एंड वाइटामिनस बी रिमांइंड दैट थ्री बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी टिश्यू कंसिस्ट लार्जली ऑफ 67% वाटर 15% परसेंट प्रोटीन एंड दर्टीन परसेंट फैट्स मिनरल सॉलिड्स लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन ई आर ऑल्सो यूजड एज बिल्डिंग ऑफ द बॉडी ठीक है डिवाइस टू टेक फूड फ हम क्यों लेते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी लिपिड्स प्रोवाइड एनर्जी एंड आर यूज टू मेक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन सवेज एनजाइम एंड आज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स वाइटामिनस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड असेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबोलिज्म मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय एंटी ऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट अगेंस ऑक्सीडेंट्स फोटोकेमिकल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन मेंटेनिंग हेल्थ कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड कराता है ये इनटेक किया स्टार्च ग्लाइकोगन ग्लाइकोजन डाइसाइक्राइड्स मोनोसाइक्राइड्स ठीक है और ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर हुआ और ये स्टोरेज जो है फिर फ्री ग्लूकोज के फॉर्म में रिमूव रिलीज़ हुआ जो कि एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ लिपिड्स और फैट्स फॉर आर बॉडी ठीक है ये किस तरीके से लिपिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन जो है वी नीड इट वी डोंट हमें इसकी नीड भी होती है और नहीं भी किस किस वे में जो हमारे प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं तो हमारी बॉडी को ये क्यों ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये न्यू सेल्स बिल्ड करते हैं न्यू सिंथेसिस न्यू प्रोटीन्स मेंटेन टिश्यूज़ ठीक है और ये क्यों ज़रूरत नहीं होते फ़िल्टर्ड आउट थ्रू बॉडी, ठीक है लिवर के द्वारा जो है ये बॉडी के से बाहर आ जाते हैं सम वाइटामस दैट आर बॉडी नीड्स वाइटामिन ए वन बी टू बी फाइव बी सिक्स बी नाइन बी ट्वेल्व सी डी ई के और आर दी वाइटामस इन सभी सोर्सेज ऑफ फूड से ये सारी की सारी वाइटामस मिलती हैं जिन जिन मिनरल्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहला आता है कैल्शियम जो कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसके बाद फोरफोस फोस्फोरस उसके बाद पोटेशियम सल्फर सोडियम मैंगनेशियम, क्लोरिन मैगनीशियम क्लोरिन मैगनीशियम फिर उसके बाद आयरन फिर उसके बाद मैंगनीज़ उसके बाद कॉपर लास्ट आयोडीन ठीक है एंटी जो एक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि ये फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको डैमेज करते हैं एंटी और हमें ये न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं फ्री रेडिकल्स के एक्शन को दैट्स वे दे आर कॉल्ड एंटी अंडर न्यूट्रिशन इज़ अ सोर्स प्रॉब्लम अंडर न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है मिलियन ऑफ पीपल डो नॉट हैव इनफ टू ई ईट और डो नाट ईट अ बैलेंस डाइट बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास खाने को इनफ खाना नहीं होता है और ना ही उनके वो एक बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं तो ऐसे लोग जो है वो अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं माल नरिश्ड इंडिविजल्स आ वीक ईजीली फैटिक्ड एंड हाईली ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन्स इन्फेक्शन होने के चांसेज उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो वीक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन यंग चिल्ड्रं सीवर प्रोटीन माल माल न्यूट्रिशन रिजल्ट टू अ कंडीशन कॉल्ड क्वाशिर कौर ठीक है चिल्ड्रंस के अंदर सीवर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बाद कमी की वजह से जो डिसीज होती है उसे क्वाशिर कौर बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड दिस इज़ द सिचुएशन इन विच अ फर्स्ट child इज़ displaced from इट्स मदर ब्रेस्ट बिकॉज a younger sibling इज़ born अगर ये जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखी जाती है क्वाशिर को और वो तब देखी जाती है जो पहला बच्चा होता है उसके पैदा होने के कुछ ही टाइम बाद किसी माँ के अगर दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है तो उस पहले बच्चे को उसकी माँ के द्वारा फीडिंग कम्प्लीट नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जो डिसीज़ उसको होती है उसकी कमी से वो कोर कहलाती है यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हो ये पहली जिसमें प्रोटूबरेंट बैली दिख रही है ये कोर डिसीज़ है इसमें ची हो जाते हैं पुअर वाउंड हीलिंग हो जाती है यानी कि वाउंड जो हुई हील नहीं हो पाते हैं जैरोसिस हो जाती है इस तरीके की, की जो प्रॉब्लम है ये क्वाशिर कोर डिसीज़ में होती है दूसरी प्रोटीन की ही उससे होती है कमी से मैरसमस ये प्रोमिनेंट बोन्स मतलब बोन्स जो है प्रोमिनेंट हो जाती हैं यानी कि बोन्स बहुत ज़्यादा विजिबल होती हैं बॉडी में डिक्रीज इन सबकटीन्यूस फैट सब कंटिन्यूस जो फैट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक बहुत थिन हो जाती है और लूज स्किन होती है यानी कि स्किन के स्किन और बोन्स के बीच में मसल्स की जो कंसंट्रेशन uh, होती है वो कम हो जाती है इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या क्या इम्पैक्ट होता है पेन और ड्राइनेस इन योर माउथ और थ्रोट डिफिकल्टी चुइंग और स्वलोइंग टेस्ट चेंजेस वेट लॉस डायरिया और कॉन्स्टिपेशन नोसिया एंड वॉमिटिंग पोअर एपिटाइट पेटिक्यू इस तरीके की ये दिक्कत होती है ओबेसिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ओबेसिटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फैट्स जो है वो एक्यूमलेट हो जाता है जो हमारा डब्ल्यू एच ए जिसके फुल फॉर्म होती है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर ओबेसिटी अमोंग द टॉप नाइनटीन ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम ओबेसिटी इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज डायबिटीज़ मेलेटस ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड कोलन कैंसर इस सभी की सभी बीमारियां जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से होती हैं यह आप जो पिक्चर देख रहे हो ये ओबेसिटी डिजीज पर्सन है ये ये सारे के सारे इम्पैक्ट होते हैं ओबेसिटी से कैंसर जॉइंट प्रॉब्लम हार्ट अटैक ब्रीथिंग प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर टाइप टू डायबिटीज इंसिपिटस एंड मिलटस इंक्रीज स्वेटिंग लिमिटेड मोबिलिटी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हाई कोलेस्ट्रॉल डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोन प्रॉब्लम फ्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिप्रेशन इस तरीके की ये सभी दिक्कतें एक ओबेसिटी वाले पर्सन को झेलनी पड़ती हैं टिप्स फॉर ए हेल्दी बॉडी अगर एक हेल्दी बॉडी रखनी है तो वो कैसे रह सकती है हैव अ बैलेंस डाइट वॉच द अमाउंट यू ईट खाने को अच्छे से चबाएं एंड ईट स्लोली फैसिलिटेट डाइजेशन और चबा चबा के और चबाना भी स्लो चाहिए और फिर उससे निगलना भी स्लो चाहिए वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए बैलेंस योर फूड विद एक्टिविटीज़ सच एज एक्सरसाइज एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए योर बैलेंस डाइट शुड बी इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मीट इंक्लूडिंग फिश सीरियल सचेज राइस, अदर एंड अदर हेल्दी फूड्स ऑलवेज रिमेंबर द ग्रेटेस्ट हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ सो आई होप यू विल इन्जॉय माई वीडियो So thank you.